नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे रसमलाई। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: 1 लीटर दूध, 1 पैकेट लजीजा रसमलाई, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम पिस्ते, चीनी, 4 टेबलस्पून या हस्बे जरूरत। तरकीब। सबसे पहले दूध को उबाल लें। जब दूध में उबाल आ जाए तो चीनी शामिल करें और चमचे की मदद से मिक्स करें और धीमी आंच पर दूध को पकने दें। फिर एक पैन में लजीजा रसमलाई का पैकेट खोलकर डालें। इसमें फिटा हुआ अंडा और 2 टेबलस्पून घी के शामिल करें और इस बैटर को नरम हाथ से अच्छी तरह गूंद लें। इसके बाद इस बैटर की छोटी छोटी बॉल्स बनाएं और हथेलियों की मदद से इन्हें चपटा कर दें और 1 by 1 दूध में डाल दें, यहाँ तक कि बैटर खत्म हो जाए। अब आप आंच मीडियम कर लें और रस मलाई को पकने दें। इस दौरान चमचा चलाने की जरूरत नहीं। जब दूध पककर आधा रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें और रस मलाई को रूम टेम्परेचर पर आने दें। अब आप रस मलाई को एक बाउल में डालें, फिर कटे हुए बादाम पिस्ते शामिल करें और रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। जब रस मलाई ठंडी हो जाए तो इसे सर्व करें और एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।